एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंच गए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। घंटों से मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। मोदी का वडोदरा में जोरदार स्वागत हुआ। विमान प्लांट के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी रोड शो निकाल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के दौरे से देश और सूबे को कई सौगात मिलेगी। वायुसेना के लिए अब C-295 विमान भारत में बनेंगे, जिसके प्लांट का आज प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं, जो बनकर तैयार है। C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिसमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवरी किए जा रहे हैं और शेष 40 भारत में बनाए जाने हैं। वडोदरा से प्रधानमंत्री अमरेली जाएंगे, जहां दोपहर करीब 2:45 बजे वो अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे वो लाठी अमरेली में करीब 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो करोड़ों की सौगात के साथ ब्रजेश दोषी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। तो घंटों का इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा था, लेकिन अब ये रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो काफिला धीरे धीरे टाटा का जो कॉम्प्लेक्स है जिसका लोकार्पण होना है वहां तक वो रोड शो चल रहा है। 2 किलोमीटर का ये रोड शो था, तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम था, तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये रोड शो खत्म होने की देरी जो है वो कगार पे है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है आज का टाटा एयरबस का, जहाँ पे देश के स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं C-295, उसका जो लोकार्पण होगा और यहीं पर 40 स्वदेशी विमान जो है यहाँ पे बनेंगे, तो ये एक बड़ी बात है। मैं आपको जो तस्वीर है जहाँ से रोड शो शुरू हुआ था, यहाँ पे आपको ये दोनों जो कटआउट्स हैं स्पेन के पीएम के और भारत के पीएम के, तो ये एक तस्वीर जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश की गई किस तरह ये जगह और ये आज का दिन दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। लक्ष्मी विलास पैलेस, जो एक ऐतिहासिक पैलेस है, हेरिटेज पैलेस है, वहाँ पे दोनों देश के नेता जो है वो दोपहर का भोजन भी करने वाले हैं और वहाँ पे डेलीगेशन लेवल टॉक होगा। भारत के विदेश मंत्री भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये द्विपक्षीय बातचीत एक बहुत ही बड़ी भारत और स्पेन के रिश्तों को मजबूत करने में रहेगी और इसीलिए आज वहाँ पे कौन सी बातचीत होगी और क्या MOU होंगे उसके ऊपर पूरी नजर सबकी रही हुई है। पर सबसे बड़ी बात जो आज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन थोड़ी देर में होने वाला है, वहाँ पे देश का पहला स्वदेशी C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो बना है, तो ये एक बड़ी बात, क्योंकि जो मेड इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री हमेशा करते थे कि मेक इन इंडिया को सफल बनाना है, तो उसका आगाज यहाँ से हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में जो टाटा का कॉम्प्लेक्स है वहां पे स्वदेशी विमान बनने शुरू हो चुके हैं और ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनेंगे और 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनने हैं, तो ये एक बड़ी बात यहाँ से प्रधानमंत्री आज करेंगे। उसके अलावा लक्ष्मी विलास पैलेस में जैसे मैंने बताया द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो वो एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसपे भारत और स्पेन के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। और शाम को 4 बजे PM एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पे 4800 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों की सौगात होगी। कुछ शिलान्यास हैं और कुछ लोकार्पण है, तो उसमें काफी केंद्रीय योजनाएं भी हैं और राज्य सरकार की भी योजनाओं को मिलाकर 4800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज गुजरात को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये उनका आज पूरे दिन का कार्यक्रम है। अभी कुछ ही देर में जो है ये रोड शो की आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरों के बाद थोड़ी देर में जो है प्रधानमंत्री, दोनों देश के प्रधानमंत्री जो है वो टाटा के कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे और वहां पे उस फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगे जहां पे अब 40 नए एयरक्राफ्ट, संपूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो है बनने वाले हैं। और वहां पे दोनों नेताओं का संबोधन भी होगा जिसपे आगे की दोनों देशों की बातचीत और साथ ही किस तरह प्रधानमंत्री ने जो मेक इन इंडिया विजन को साकार किया है, साल 2020 में जो है यहाँ पे उन्होंने खात मुहूर्त किया था, शिलान्यास किया था और आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उसी काम को हम खत्म भी करते हैं, तो एक बड़ा मैसेज वडोदरा से देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और एक मैसेज सौगातों के साथ है कि सौगातों के साथ प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। उसके अलावा ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं साथ ही साथ ब्रजेश दोषी, जिसमें स्पेन के प्रधानमंत्री भी हैं, अपने प्रधानमंत्री भी, ये भी अलग तरीका यहां पर नजर आता है। रोड शो करना, वो भी स्पेनिश प्रधानमंत्री के साथ, एक अलग दोस्ती इसको और प्रगाढ़ करने की कोशिश नजर आती है।
बिल्कुल, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनोखा जो है वो आप स्टाइल कह सकते हैं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने गुजरात के अंदर लगभग 10 से ज्यादा राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, उसमें से 4 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनका रोड शो हुआ है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जो है अहमदाबाद आए थे, उनके साथ भी वहां पर रोड शो हुआ था। तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से गुजरात को इस तरह की सौगात मिलती रही है, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आते रहे। पहले कभी गुजरात जो है 1960 से पहले, जब गुजरात 1960 में बना, उसके बाद कभी सीधे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे नहीं आए, पर नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से गुजरात में राष्ट्राध्यक्ष सीधा गुजरात आने लगे हैं। दिल्ली की जगह पे उनका लैंडिंग जो है गुजरात हो चुका है। तो ये एक नई पहल भारत की विदेश नीति में देखने को मिली है, और वही जो यहाँ पे जो स्वागत हो रहा है, नया दौर स्पेन और भारत के रिश्तों के बीच में नजर आता है। आगे के कार्यक्रम के बारे में भी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।